महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर 29 दिनों से जारी गतिरोध अब खत्म होता नजर आ रहा है। शिवसेना, कांग्रेस और राकांपा के बीच सहमति बनने के बाद तीनों दल शुक्रवार को सरकार बनाने का ऐलान कर सकते हैं। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि आज तीनों दलों की बैठक होनी है, फिर राज्यपाल से मुलाकात की तारीख तय होगी। इससे पहले गुरुवार रात राकांपा प्रमुख शरद पवार और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे की बैठक हुई। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने ब्लूप्रिंट फाइनल कर लिया है। संजय राउत ने कहा कि मुख्यमंत्री पूरे 5 साल के लिए शिवसेना का ही होगा। शिव सैनिकों की इच्छा है कि उद्धव ठाकरे जी यह पद संभालें। भाजपा की ओर से 2.5 साल के मुख्यमंत्री का प्रस्ताव मिलने के दावे को राउत ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि अब वे हमें इंद्र का सिंहासन भी दें तो उनके साथ सरकार नहीं बनाएंगे। आज मुंबई में कई बैठकें होनी है। मातोश्री में शिवसेना विधायकों के साथ उद्धव ठाकरे की बैठक है। वहीं कांग्रेस राकांपा भी गठबंधन के अन्य दलों के साथ मीटिंग करेंगी। इसके बाद शिवसेना, कांग्रेस और राकांपा के बीच आखिरी दौर की एक और बातचीत होगी। उम्मीद है कि शाम तक तीनों दल साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार बनाने का ऐलान कर सकते हैं। नई सरकार का नाम महाविकास आघाड़ी होगा। गुरुवार को दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति CWC ने शिवसेना के साथ सरकार बनाने को लेकर सहमति प्रदान कर दी थी। गठबंधन सरकार का नाम महाविकास आघाड़ी महाविकास गठबंधन होगा। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा था कि राकांपा कांग्रेस के बीच सभी मुद्दों पर चर्चा के बाद आम सहमति बन गई है। पदों के बंटवारे का फॉर्मूला सूत्रों के मुताबिक तीनों दलों में मंत्री पदों का सम्मान बंटवारा होगा। पहले कहा जा रहा था कि 4 विधायकों पर एक मंत्री पद दिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस का प्रस्ताव था कि मंत्री पदों का सम्मान बंटवारा हो। बताया जा रहा है कि बाद में तीनों दलों में इस पर सहमति बन गई है। हालांकि सत्ता के बंटवारे फॉर्मूला की अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। शिवसेना और राकांपा के बीच मुख्यमंत्री पद 2.5 साल बांटे जाने की भी खबर है। हालांकि इस बारे में भी कोई अधिकृत पुष्टि नहीं है। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार का एक बयान जरूर सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री शिवसेना का ही होगा। समन्वय समिति भी गठित होगी। गठबंधन सरकार के कामकाज में समन्वय बनाए रखने के लिए तीनों पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं की समन्वय समिति बनाए जाने का फैसला हुआ है। इसमें मुख्यमंत्री के अलावा तीनों पार्टियों के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। समिति में सदस्यों की संख्या 12 हो सकती है, जिसमें हर पार्टी से 4 प्रमुख नेता होंगे।